पिछली बार आधे में निकल गया था, बताया नहीं था आप लोगों ने, है ना। तो अगर मेरी कही बात का मान हो तो दो चीज़ें हमेशा याद रखना। जिंदगी में कभी ये मत कहना कि वीकेंड पे बॉस का फ़ोन नहीं उठाऊंगा और तब जब बॉस सुन रहा हो। दूसरी बात, अगर शक्ल पे दाढ़ी थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो किसी के बहकावे में आके दाढ़ी को काटना मत। खैर, फिर से नया हफ्ता है और दो हफ्ते नया पुराना शो लेकर लौट आया हूँ मैं आशीष। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप और शुरू है हमारा शो सोशलिस्ट। आज के दिन में क्या रहा खास, क्या सरगर्मी चली, क्या उठापटक चली, आपको पहले बताते हैं आज का एजेंडा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर हो हल्ला, सोशल मीडिया को करना पड़ा ओवरटाइम। किम जोंग उन की एक बार फिर से मौत और फेसबुक वालों ने कहा भाई कितनी बार मरेगा। यूट्यूब पर डीसी का कत्लेआम, फैंडोम के नाम पर मचा दी तबाही। पिक ऑफ द डे में बताएंगे उस लड़के के बारे में जिसे पता है रसोड़े में कौन था कौन था कौन था। लेकिन उस सबसे पहले आज के दिन के सोशल मीडिया के मुख्य समाचार। ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड हुए बॉलीवुड वाले जैसे अमिताभ बच्चन, राखी सावंत। राखी सावंत का नाम स्क्रिप्ट में किसने लिख दिया, शो के बाद मिलाना उसको मुझसे। अमिताभ पर लोग फायर हैं क्योंकि उन्होंने सुशांत केस में या राम मंदिर पर कुछ बोला क्यों नहीं। अगली खबर, ट्विटर पर ट्रेंड हुई कंगना रनौत और स्वरा भास्कर। मतलब किस दिन ट्रेंड नहीं होती, भाई वरुण तू मेरा सच्चा भाई है, रोज ये शो एडिट करता है, जिस दिन मैं ये एक लाइन बोलना भूल जाऊं उस दिन अपने से लगा दिया करना। विरोधियों ने कहा हैशटैग बॉयकॉट कंगना, समर्थकों ने कहा हैशटैग झांसी की रानी कंगना। करण जौहर ने कहा कंगना तेरा नहीं मैनू करना इशारे। बाकी स्वरा पर एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलवाने की कोशिश की लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा ना ना ना। बिहार के डीजीपी के इस्तीफे की खबरें उड़ी, ट्वीट करके उन्होंने बताया मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। लोगों ने कहा वही कीजिए जो आप कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के अध्यक्ष ही दिन भर जो हुआ आपने देखा, शाम को हुआ जो आपने वो भी देखा। कपिल सिब्बल इस बीच चर्चा में रहे, उन्होंने एक ट्वीट लिखा फिर ट्वीट डिलीट किया, अपना बायो बदला, 11वीं कक्षा का कॉमर्स का बच्चा जैसा करता है एकदम वही करते नजर आए कपिल सिब्बल। ट्विटर पर हैशटैग कांग्रेस प्रेसिडेंट ट्रेंड हुआ। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी के अलावा बाकी के जो अध्यक्ष पद की रेस में हैं लोग ऐसे नजर आ रहे हैं। जब अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी का नाम सामने आया तो भाजपा के समर्थक खुश हो गए, उनका रिएक्शन था कुछ ऐसे। इस यूजर ने बहुत सही बात कही, कहा कि अगर आपको लगता है आपका काम मुश्किल है तो जरा सुरजेवाला के बारे में सोचिए, मेरा काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने अभी अभी अपने बॉस के बॉस का ट्वीट अपने शो में दिखा दिया, मेरी मेहनत भी नहीं लगी और अप्रेजल में पैसे भी मेरे बढ़ेंगे, दुनिया ऐसे ही चलती है। फिर बढ़ चलते हैं फेसबुक की ओर। आज जाने कितनी हजार कितनी सौवीं बार किम जोंग उन की फिर से मौत हो गई। कहीं कहीं लिखा मिला कि नहीं मौत नहीं हुई है, बंदा कोमा में है। और यही वो मोमेंट था जब फेसबुक वाले फट पड़े, उन्होंने इन खबरों पे कुछ ऐसे रिएक्ट किया। लोगों ने लिखा किम जोंग सोच रहा होगा बीप बीप, मुझे पता नहीं होता, इंडियन मीडिया को पहले पता चल जाता है कि मैं कोमा में हूँ, कितनी बार मर चुका है फिर जिंदा हो जाता है, कलयुग का रावण है, किम जोंग को पता चला तो तुम्हारा एक्सपर्ट खुद कोमा में मिलेगा, अगर ये बात किम जोंग को पता चल गई तो तुम्हें और तुम्हारे एक्सपर्ट दोनों के सिर पर परमाणु बम फोड़ देगा। वहीं YouTube पर चौतरफा मार मचा रखी है डीसी वालों ने। वार्नर ब्रदर्स ने डीसी फैंडोम का आयोजन किया 22 तारीख को, कोरोना है जाहिर है कि ऑनलाइन इवेंट था, और यहाँ तो पूछो ही मत कितने टीजर, कितने ट्रेलर, कितने कॉन्सेप्ट आर्ट, कितने प्रोमो, कितनी नई सीरीजें, मिनी सीरीजें, टीवी शो और वीडियो गेम्स की घोषणा हुई, भरमार हो रखी है YouTube पर डीसी के वीडियोज से। अब हाल यह है कि YouTube पे जहाँ देखो वहाँ डीसी। बैटमैन आ रही है जिसमें वो वैम्पायर वाला जो लड़का था वो बैटमैन बन रहा है, ब्रूस वेन बन रहा है, वंडर वूमन का ट्रेलर आ गया, सुसाइड स्क्वाड की जो पूरी कास्ट है वो पता चल गई, शाजाम के सीक्वल का नाम पता चल गया, साथ के साथ ड्वेन जॉनसन के ब्लैक एडम का टीजर आ गया और टीजर आया जस्टिस लीग के स्नाइडर कट का। हुआ ये था कि 2017 में बेटी के सुसाइड के कारण जैक स्नाइडर फिल्म पूरी नहीं कर पाए थे, उनका जो जस्टिस लीग का 4 घंटे का कट था वो पड़ा था, फिल्म को पूरा किया था जॉस वीडन ने,
अब फिल्म को पूरा किया और कैसा किया फिल्म को आपने देखा ही है, उसके बारे में क्या ही बात करना। लेकिन स्नाइडर के फैंस ने तबाही मचा दी इधर उधर। उन्होंने कमेंट सेक्शंस में, आपका कह लीजिए ट्विटर पे, फेसबुक पे, वेबसाइट्स पे, जहां इवेंट होते थे वहां पे स्नाइडर कट की ऐसी मांग रखी। जब SDCC चल रहा था तो इन्होंने एक प्लेन उड़ा दिया जिसमें बैनर था कि भैया स्नाइडर कट लाओ। इसके अलावा इन्होंने टाइम स्क्वायर पे होर्डिंगें लगवा दी थी, बिलबोर्ड लगा दिए थे कि हमें स्नाइडर कट चाहिए। और अब पता चला कि HBO Max पर मिनी सीरीज आएगी। 4 घंटे का था इसलिए एक 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 घंटे के 4 आपको टुकड़े दिए जाएंगे स्नाइडर कट के, आप वो देखिए। बाकी जॉस वीडन का ये है कि वो नई नई मुसीबतों में फंसे हुए हैं, इसी फिल्म को लेकर कुछ नए विवाद हुए हैं, उन पे जांच चलने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी हालत मार्वल के फैंस की है। उनके लिए कहा जा रहा है तुम्हारे सुपर हीरो कहाँ है भाई, मतलब DC वालों ने परेशान कर रखा है, कहाँ छुपे हैं तुम्हारे सुपर हीरो। और अब बारी पिक ऑफ द डे की, किसी और की बात ही क्या करें जब राशि बेन ने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। ये कलाकारी थी यशराज मुकाते नाम के आर्टिस्ट की। यशराज सिंगर हैं और लिरिसिस्ट हैं। जिनको अभी तक नहीं पता मामला क्या है, वो ये जान लें कि ये क्रिंजी वीडियोज के मज़ेदार म्यूजिकल वर्जन बनाते हैं। ऐसे ही इन्होंने साथ निभाना साथिया का मज़ेदार म्यूजिकल वर्जन बनाया जो वायरल हो गया, और इस कदर वायरल हुआ कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी वो वीडियो शेयर किया। तो वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे, पता चला हमने दिखा दिया, स्टार वालों ने उस पर स्ट्राइक मार दिया, नुकसान मेरा हो जाएगा, आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा। बाकी आप यशराज का चैनल देख सकते हैं और मजे ले सकते हैं। आज के लिए सोशल लिस्ट में इतना ही। कहीं भी कमेंट करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, और कमेंट करने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर छोड़ता हूँ मैं आपको और चलता हूँ। बाय बाय।